आप यहीं रहते हो? अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी खाली वही चालू रखने का, तो ही मजा आता है। चलो अच्छा अच्छा है, एंजॉय करो। तो सबसे पहले तो इनको मास्क का फुल फॉर्म बता दो। अरे हाँ, मेरा आपका सुरक्षा कवच, यही हाँ, तो बोलते हैं मास्क। हाँ, मास्क हमेशा पहन के रखे, ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं हूँ अहमदाबाद में और ये है मेरे पीछे दिल्ली दरवाजा और ये है रुपेश, ये अहमदाबाद में ही रहता है और ही इज़ अ यूट्यूबर एंड ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो इस पूरे गुजरात ट्रैवल में ये मेरे साथ रहने वाला है और अभी हम उत्तरायण, एक्चुअली कल है, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं काइट मार्केट एक्सप्लोर करने। तो ये जो दिल्ली दरवाजा है, दिस इज़ वन ऑफ दी बिगेस्ट काइट मार्केट इन अहमदाबाद। तो अभी हम बाहर निकल गए हैं, अभी दिखाते हैं आपको यहाँ का काइट मार्केट। पूरी लाइन है काइट मार्केट की, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी की पूरी मार्केट है और इतना क्राउड है अभी यहाँ पे कि मतलब इधर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना वोरोना है कुछ भी। यहाँ पे कौन कोरोना कौन हो चुका है, देखो ये देखो ये देखो भाई, अपने सब पतंग लेके जा रहे हैं। ये कैमरे से क्यों भाग रहे हो यार, क्या हो गया? अरे फेमस फेमस हो जाओगे, फेमस तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण पतंग, सलमान खान पतंग, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, सारे पतंग यहाँ पे हैं। अभी एक बार दिखाते किधर चले रुपेश, किधर चले? चलते हैं बड़ी सी शॉप पे, आगे चलते हैं, वहाँ पे चलेंगे पहले तो। हाँ हाँ वहीं पे चलते हैं। ये बरेली है, बरेली है, इसको बरेली बोलते हैं। अच्छा, सब अच्छा लाओ। ये मांझा के टाइप्स हैं, बरेली मांझा अलग होता है, नंबर वन नंबर बरेली बरेली मांझा एक नंबर मांझा होता है। और बाकी कौन कौन से ये? नौ तार आएगा इसमें, नौ तार आएगा इसमें, आठ कॉर्ड आएगा। ये जो मांझा रहता है ना, उसको रंग ये लोग खुद से लगाते हैं, टेलर किसी को परचेज करने नहीं देता, ये सब लेके फिर अपना खुद का फिरकी बना के फिर बेचते हैं। अच्छा अच्छा, और ये इतनी तेज होती है कि ये आपके गर्दन वर्दन भी कट सकते हैं। इससे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं अहमदाबाद में या जहाँ भी, इसकी वजह से बहुत इंसिडेंट होते हैं, ये बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पे बाइक वाइक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे कि लाइक अगर वो बाइक वाइक से जा रहे हैं, अगर गर्दन वर्दन पे लग जाती है तो इतनी तेज़ होती है, स्पॉट पे ही आपका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। अच्छा, इधर दीपिका पादुकोण, सलमान खान, सारे पतंग मिलते हैं। नोरा फतेह पतंग, नोरा फतेह तो हम भी ढूंढ रहे हैं। नोरा फतेह पतंग नहीं मिलेगी, अगर वो मिलेगी तो मैं पक्का लेने वाला हूँ। पक्का हमको दिलाएंगे आपको नोरा फतेह पतंग चाहिए। यहाँ पे ना यार, ये जो लोग जो भी लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बता रहे थे ये, कि वो बता रहे पतंग का क्या रेट है, क्या प्राइसेस है यहाँ पे पतंग? वो बोल रहे थे, वो खुद से नेगोशिएट कर रहे थे, बोला 100 बताते 90 में बेचते। अच्छा, 100 बता के 90 में बेचते, 90 बेचते। वो बंदा लॉकडाउन की बात कर रहा था, क्यों लॉकडाउन है विरोध कर रहा था, लेकिन खुद तो मास्क लगाया नहीं है, बोला विरोध भी कर रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाना है। इधर पटाखे भी मस्त मिल रहे हैं, पटाखे ऑल सीजन फुल माहौल होता है ना, फुल माहौल मतलब एकदम जबरदस्त ब्रांड, मतलब हमारे दिवाली से भी एक स्टेप ऊपर गिन लो, पूरा इतना माहौल होता है गजब का, इतना मजा आता है उत्तरायण में। पांच पतंग 100 रुपए की, 100 रुपए में पांच पांच। अच्छा, तो इसमें थंबनेल में निकालना है, बढ़िया यार, इसमें तीन चार आइटम आएगा, डिजाइन जो ये देखो गुजरात टूरिज्म वाली जो टूरिज्म बस है, जो सिटी टूर कराती है, ये यहाँ पे खड़ी थी, तो हमने सोचा आपको एक बार ये दिखाते हैं। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं ये कैसा है। किधर है? अरे यहाँ पे तो फ्रिज भी है। ओके, इधर फ्रिज व्रिज है, इधर ओवन वाला बस हो गया। हाँ बढ़िया है यार, ये अंदर सीटिंग का है, बाकी इसके ऊपर भी है ना। हाँ है ना, नहीं इनको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।
ओके बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी में भी बुक करा सकते हो। और इसकी टिकट बुक करने के लिए आपको गुजरात टूरिज्म के वेबसाइट पे जाना है, वो मैं लिंक में दे देता हूँ और बता भी देता हूँ, www.gujarattourism.com। और ऐसे वाले बसेज ना मुझे बहुत पसंद है। और भैया बता रहे हैं कि अगर एक जन ने भी इसमें टिकट लिया बाकी पूरी की पूरी बस खाली है फिर भी ये बस निकलती है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मुंबई का निखिल को जानते हैं। उनके साथ 6 दिन के लिए टूर किया था। अच्छा, मैं उनका गाइड था वो टाइम। अच्छा, उधर आप उनके गाइड। टूरिज्म ने इनवाइट किया था उनको। हाँ हाँ, गुजरात टूरिज्म ने इनवाइट किया था। और आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आए थे। यस यस, उसी टाइम मैं उनके साथ टूर पे गया था। और शीनास या क्या नाम है, शैनिस, उनका एक असिस्टेंट है। सिस्टर का नाम मुझे वसीम, वसीम वसीम फ्रेंड है उसका। वसीम फ्रेंड है, वो भी आया था। हाँ, वसीम आया था, शानिश आई थी और मुंबई का। हाँ, अभी जो आपने मार्केट देखा ये ओल्ड अहमदाबाद में है, दिल्ली दरवाजा। अभी हम एक और मार्केट जाने वाले हैं, वो इससे भी बड़ी और इससे भी ज़्यादा क्राउडेड वो मार्केट है। तो लेट्स सी वो वाली मार्केट कैसी है और वहाँ पे आई होप के ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी रुपेश मुझे एक शॉप पे लेके आया जहाँ पे समोसे कबाब मिलते हैं। शॉप का नाम है मोइन समोसा हाउस और ये मिर्ज़ापुर मार्केट में है। हमारे साथ जो खड़ा होगा वही बलिया में पड़ा। हमारे साथ जो खड़ा होगा वही बलिया में पड़ा। ये रहा समोसा कबाब। इसके अंदर मटन स्टफ होता है ना, इसके अंदर मटन स्टफ होता है वो। ये इसको करके पीला कबाब रहता है, लजीज कबाब, एकदम सॉफ्ट वाला। इनकी कबाब की खास बात ये है कि तीखे भी रहते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं, उसके साथ क्रंची भी है। अच्छा, तो और इसके साथ ये क्यों देते हैं, ये बन स्वाद में अच्छा लगता है। और ये कबाब वाकई में बहुत अमेजिंग है। तो मिर्ज़ापुर मार्केट में समोसे कबाब ज़रूर ट्राई करो अहमदाबाद में। एंड नाउ वी एंटर जमालपुर मार्केट। दिल्ली दरवाजे के पास जो मार्केट में हम गए थे वो भी ओल्ड अहमदाबाद में है और ये वाला मार्केट भी ओल्ड अहमदाबाद में है। यहाँ पे भी खूब सारे पतंग बिक रहे हैं। बढ़िया माहौल है यार उत्तरायण का यहाँ पे। दिल्ली में आज तक मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा यार। मतलब करते हैं, दिल्ली में भी मनाते हैं मकर संक्रांति, लेकिन यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल सेलिब्रेशन है और लोग काफ़ी एक्साइटेड है। ये वाली जो पतंग आपको दिख रही है 20 फीट की है। ओहो, इस वाले मार्केट में बड़े बड़े पतंग दिख रहे हैं मुझे। बस यहाँ पे मुझे अभी तक एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे किसी बंदे ने मास्क नहीं डाला हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इधर कोरोना आते ही खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वो डरता है आने से ऐसा इन लोगों का कहना है। कोरोना भी लाइक दिस बटरफ्लाई पतंग 150 है इसका। हाँ, 150 रुपए। ये 150 में है ना। हाँ, 150। ये बड़ा, ये पेपर तो नहीं है क्या, ये अम्ब्रेला में जो स्टफ यूज होता है वो ही है। हाँ, ये वही फोल्डिंग पतंग रहेगा। ओके वाओ, तो गीला भी नहीं होगा ये गीला। इधर एकदम सुपरमैन लोग है भाई, किसी ने मास्क नहीं डाला है। इधर 50 का 5 पतंग, 250 का 5, मतलब 50 रुपए का एक पतंग है ये। तो 250 रुपए में 5 पतंग, दूर से कहीं थोड़ा आ जाएगा। ये तो बड़ा भी है, अमेजिंग। हेलो, 2 रुपए का। हाँ सही है भाई, आप यहीं रहते हो। अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी खाली वही चालू रखने का, तो ही मजा आता है। चलो अच्छा अच्छा एंजॉय करो। तो जमालपुर काइट मार्केट से निकल के वापस अभी एक मस्जिद में आए हैं। ये मस्जिद बहुत ही पुरानी मस्जिद है और वन ऑफ द मतलब पूरे गुजरात की सबसे पुरानी मस्जिद है ये। 1423 में बना है। 1423 में बना है। अच्छा अच्छा, और ये माणिक चौक पे है। ये जो चौक है ये माणिक चौक, ये माणिक चौक पूरा एरिया बोलते हैं। 1423 में बना हुआ ये। अच्छा अच्छा यार, बहुत पुराना देख के लग रहा है कितना पुराना है। ये जो कार्विंग है ये पूरा अभी ये है, पूरा हेरिटेज में है। कोई पत्थर एक किली भी नहीं मार सकते इस पे। अच्छा अच्छा, पूरा हेरिटेज के अंदर आता है। शाम हो गई है, अभी हम आए हैं लकी रेस्टोरेंट में। यहाँ पे वी आर हैविंग बन मस्का एंड चाय। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको इस रेस्टोरेंट की एक वियर्ड थिंग बताता हूँ। ये देखो, सो यू कैन डाइन इन हियर विद डेड। तो यही वियर्ड थिंग है और यही फेमस भी है इस रेस्टोरेंट के बारे में कि 1950 की है ना। यस, 1950 की ये रेस्टोरेंट है। चाय तो बस
चाय तो ओके ओके है लेकिन बन मस्त का ऑसम दिस वन इज द थिंग कि यू शुड ट्राई। पहले मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में पता था कि ये रेस्टोरेंट कब्र के ऊपर है लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि नहीं ये साथ में ही है। क्या बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा मुझे। आजा तो लकी रेस्टोरेंट में बन मस्का और चाय पीने के बाद अभी मैं आ गया हूँ साबरमती रिवर फ्रंट और लुक एट दिस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से ये व्यू। ऐसा लग रहा है ये लंदन वंडन में क्या ज़बरदस्त व्यू है अमेजिंग। 2 बजे से लेके अभी तक हम बाहर ही थे तो अच्छा था मज़ा आया आज पूरे दिन। तो पूरा अहमदाबाद उत्तरायण के लिए रेडी है, लोगों ने भर भर के पतंगे खरीद ली हैं, पूरा अहमदाबाद कल उत्तरायण मनाने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे उत्तरायण वाली ब्लॉग में, तब तक हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय। तो काइट मार्केट के पानी पीते हैं वहाँ पे। तो काइट मार्केट के साथ साथ मैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर रहा हूँ, जो लोकल साइट सींग है वो भी मुझे रुपेश दिखा रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, अमेजिंग।